वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सुखबीर कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आर्या कॉलेज फॉर बॉयज लुधियाना विखे बतौर पंजाबी सहायक प्रोफेसर दी सेवा निभा रही हाँ। मैं गुरु हरगोबिंद खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन वाले दी तह दिलों धन्यवादी हाँ, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश पुरब न समर्पित एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया है। आओ अज आप सिख धर्म के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन बारे विचार करते हाँ। दुनिया विच नहीं जिसका कोई सानी, आओ उस ब्रह्म ज्ञानी की गल करिए। 26 साल जिसने भौरे विच तप किया, आओ उस गुरु लासानी की गल करिए। दित्ती गई जो चांदनी चौंक दे विच, आओ उस पावन कुरबानी की गल करिए। गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के नौवें गुरु सन। आप श्री गुरु नानक देव जी की नौवीं जोत सन। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को माता नानकी जी की कुखों श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी के घर होया। आप जी बहुत ही उचेरी अवस्था के मालक सन। गुरु तेग बहादुर जी के बचपन का नाम त्यागमल जी सी। एक बार श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज जी ने आप नू करतारपुर की लड़ाई दे विच बहादुरी दे नाल लड़ते हुए देखिया तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज ने आप जी का नाम त्यागमल तो गुरु तेग बहादुर जी रख दिता। गुरु तेग बहादुर जी बहुत उच्च अवस्था के मालक सन। आप जी ने धार्मिक ज्ञान हासिल सी। आप जी ने अपनी मुढ़ली विद्या भाई गुरदास जी ते बाबा बुढ़ा जी पासों प्राप्त की। आप जी ने शस्त्र ज्ञान की भी जानकारी सी। आप जी हर वेले उस अकाल पुरख वाहिगुरु की भगति विच लीन रहिंदे सन। आप जी ने बहुत ही ज़्यादा सिख धर्म के प्रचार विच योगदान दिता। गुरु तेग बहादुर जी का विआह माता गुजरी जी नाल होया। फिर आप दे घर सिखां दे 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने जन्म लिया। एक बार कश्मीरी पंडित दुखी हो के औरंगजेब के जुल्मां तो दुखी हो के श्री गुरु तेग बहादुर जी को फरियाद करन आए, अपनी रक्षा दी फरियाद करन आए, तो श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने उन्होंने रक्षा करन दा वचन दिता। गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी ने उन्होंने गुरु नानक देव जी दे कहे हुए वचन, गुरु नानक देव जी महाराज जी दे महावाक जो शरण आए तिस कंठ लाए दे बक्का दा वचन किता। अते जदों औरंगजेब उन्हां हिंदू धर्म दे लोकां दे बहुत जुल्म कर रहा सी तां ओह भज्जे हुए गुरु तेग बहादुर जी कोल आ गए ते कहा कि गुरु जी सानू बचा लो, साडी रक्षा करो। गुरु तेग बहादुर जी ने उन्हां दी रक्षा वास्ते 11 नवंबर 1675 ईस्वी नूं अपनी दिल्ली दे चांदनी चौंक विच शहीदी दे दित्ती। भाई मती दास जी, भाई सती दास जी अते भाई दयाला जी ने भी गुरु दे प्रति अपना प्यार दिखाया, अपनी श्रद्धा भावना दिखाई अते आप भी शहीद हो गए। गुरु तेग बहादुर जी ने बहुत ही ज़्यादा वड्डी कुर्बानी दे के सिख धर्म दे विच अपनी एक मिसाल कायम की है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिता की कुर्बानी तो प्रभावित हो के ये शब्द कहे ने, तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनू वडो कलू मह साका, साधन हेत इती जिन करी, सीस दिया पर सी ना उचरी, धर्म हेत साका जिन किया, सीस दिया पर सिर ना दिया। दे महावाक अनुसार आप जी शहीद हो गए अते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी जदों उन्होंने अपने पिता जी नू शहादत
विच देखिया उन्हां दी उम्र 9 साल दी सी अते गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म दी रक्षा कीती। हिंदू धर्म दी रक्षा दे कारण ही श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं हिंद दी चादर दे नाम नाल जानिया जांदा है। आप जी ने सिख धर्म दे विच अदुत्ती कुर्बानी दे के अपना सिख धर्म नूं एक विशाल एक मिसाल कायम की है कुरबानी की। अज आप श्री गुरु तेग बहादुर जी दे जीवन बारे विचार की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।